छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बिलासपुर में मतदान केंद्र पहुंचकर अपना वोट दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज तीसरे चरण का मतदान हो रहा है। मतदान केंद्र में आकर मैंने परिवार और कार्यकर्ताओं के साथ मतदान किया। विकसित भारत के लिए लोगों में भारी उत्साह है। सुबह से ही लंबी लाइन लगी हुई है, लोग अपने घरों से निकल कर आ रहे हैं। ये उत्साह सरकार के पक्ष में है। अरुण साव ने कहा कि अब की बार 400 पार होने वाला है। छत्तीसगढ़ की 11 सीट भाजपा जीतने वाली है। जो तीसरे चरण के लिए मतदान है, मतदान केंद्र में आकर परिवार के साथ कार्यकर्ताओं के साथ मतदान किया है। ये विकसित भारत के लिए लोगों में भारी उत्साह है। लंबी लंबी लाइनें लगी है, सवेरे से लोग आगे निकल कर आ रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए ये उत्साह सरकार के पक्ष में है, सरकार के समर्थन में है। प्रो इनकम्बेंसी स्पष्ट रूप से दिख रहा है और इसलिए निश्चित रूप से अब की बार 400 पार होने वाला है। छत्तीसगढ़ की 11 सीटें भारतीय जनता पार्टी। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। ये है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज। हर पल, हर क्षण, हर सच।